नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र वार्ड क्रमांक 47 में आज चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन। आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पीसी शर्मा को विजय बनाने और कांग्रेस की सरकार बनाने का लिया संकल्प। आज का रेल उद्घाटन के अवसर पर पीसी शर्मा ने बताया कि यदि हमारी सरकार इस बार बनती है तो सबसे बड़ी समस्या रोजगार, महिलाओं की पेंशन और जाति प्रमाण पत्र है। सरकार बनते ही इनका सैलरी कट कर जल्द से जल्द इन सब कामों को पूरा किया जाएगा। साथ ही हम सरकार बनाने के बाद 1 जनवरी से मध्य प्रदेश की महिलाओं के खाते में 1,500 रूपए और 500 रूपए में सिलेंडर दिए जाएंगे। ये घोषणा आज कमलनाथ जी ने करी है। हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता संकल्प लेके इस बार कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ मुख्यमंत्री के रूप में आज उद्घाटन के अवसर पर वह शर्मा ने बताया कि कांग्रेस का बटन दबाकर पीसी शर्मा को विजय बनाए और कांग्रेस की सरकार बनते ही जन कल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे और उनकी समस्याओं को हल करेंगे। बड़ी संख्या में आज कार्यकर्ता उपस्थित हुए। आज ये ऑफिस का हमने शुरुआत की है। यहाँ पे सब हमारा काम यही से वायशील वार्ड 47 का काम होगा और जोश है, कार्यकर्ताओं में जोश है। इन्हें तय कर लिया है कि कांग्रेस की सरकार लाना है और दक्षिण पश्चिम में भी विधायक के रूप में मुझे बड़ा समर्थन इनका मिल रहा है। मैं इनका आभारी हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। और ये मान के चलना कि जिस तरह से 18 साल की सरकार की वजह से लोकतंत्र है, एक कांग्रेस की लहर है मध्यप्रदेश। कमलनाथ जी को सब हम मुख्यमंत्री बनाएंगे और ये जो नारी सम्मान योजना है जिसमें एक घर परिवार के लिए व्यवस्थाएं की गई, आज कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी कि 1 जनवरी को सरकार बन जाएगी और सरकार आदेश करेगी और 1 जनवरी तक उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। बिजली 100% फ्री हो जाएगी और 500 रुपये में 1 जनवरी को सिलेंडर भी मिल जाएगा। तो ये समय पूर्ण नहीं है, 1.5 महीने के अंदर नारी सम्मान योजना लागू हो जाएगी और मध्यप्रदेश के हर परिवार को उसका फायदा होगा। एक बाहरी व्यक्ति को आपके सामने लाके खड़ा कर दिया, क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? भारतीय जनता पार्टी एक प्रत्याशी, दक्षिण पश्चिम में इतने नाम आ रहे थे, दक्षिण एक को नहीं चुन पाई, वो बाहर से लाके उन्होंने यहाँ बैठा दिया। अरे भाई, ये यहाँ जो इसकी नब्ज जाने, जो लोगों को जाने, जो लोगों को पहचाने, जो लोगों के घर जाने, ऐसा कोई प्रत्याशी आता तो कोई बात होती, लेकिन आपने पता नहीं कहाँ भैरागढ़ से लाके ले आए। और इसीलिए इनको कार्यकर्ताओं को भी प्रताड़ित किया बीजेपी ने, उनके कार्यकर्ताओं की भी सुनी नहीं उनने। और उसकी वजह यह है कि लगातार समर्थन, मैं 5 साल से लोगों के बीच में रहा हूँ, हर तरह के हमने काम किए हैं, इसलिए लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है। इनके लिए मैं इनका आभारी हूँ, जनता का आभारी। आज पेंशन सारा स्वागत हुआ है, लेकिन पब्लिक के लिए क्या कहना चाहते हैं? दो शब्दों के पब्लिक के लिए यही कहना चाहूँगा कि 1 जनवरी से, जब दिसंबर में कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार बन जाएगी, तो 1 जनवरी से इनका कोई काम, कितना बड़ा काम हो, वो नहीं बिकेगा। बस यही कहना चाहूँगा कि ये घोषणाएं नहीं है, जो घोषणाओं का नाम ना दें, ये वचन है। और ये पूरी तरह से, क्योंकि हमारे कमलनाथ जी वचन एक वचनबद्ध नेता हैं, तो वो जो भी कहते हैं पूरा करते हैं। तो बस ये कहूँगा कि ये वचन जल्द से जल्द पूरे होंगे जैसे ही कांग्रेस की सरकार। माननीय पीसी शर्मा जी ने विधायक रोल में कई काम किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी में कार्य छूट गएंगे तो कितने परसेंट कर पाएंगे, कितना परसेंट हो पाएंगे? काम तो पूरे जितने हो सकते थे, पूरी अपन ने पूरा प्रयास किया, जितने काम कर सकते थे करे तो करें और आगे भी बिल्कुल इसी तरह से लगे रहे। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आज आप 47 वार्ड? बस यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार और सेवा का मौका दें और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को लेकर आएं, ताकि हम अच्छे से आप लोगों के लिए अच्छी योजनाएं, अपने वचन पूरे कर सकें। पंचशील नगर की जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? पंचशील नगर की जनता ने हमेशा से प्यार दिया है कांग्रेस पार्टी को और पीसी शर्मा जी को, तो बस यही कहूँगा कि ये प्यार बना रहे, ये हमारा जो एक रिश्ता है घर का, परिवार का, वो हमेशा ऐसे ही रहे। और यही अपील है हाथ जोड़ के फिर से कि एक बार फिर से सेवा का मौका दें और जो होगा आगे भी इसी तरह सेवा करते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।